सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड में सफलता पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कैमरों की चकाचौंध के पीछे एक्टर्स की असल जिंदगी होती है, जिसमें संघर्ष होता है, तमाम तरह की तकलीफ होती है। एक फिल्म, वीडियो या तस्वीर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत पलट सकती है। नामी एक्टर्स की सैलरी समय समय पर चर्चा में रही है। एक फिल्म के लिए सितारों को मिलने वाली मोटी रकम बड़ी खबरें बनी है। हाल ही में कई सितारों की सैलरी चर्चा में रही है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में। ऋतिक रोशन, कोई मिल गया, क्रिश और धूम 2 जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में छा जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन के बारे में खबर है कि यशराज फिल्म्स की अगली फिल्म ऋतिक वर्सेस टाइगर के लिए उन्होंने अपनी फीस में बढ़ोतरी कर ली है। एक फिल्म में करीब 40 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले ऋतिक टाइगर श्रॉफ के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए 48 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। करीना कपूर बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक है और देश विदेश में उनके कई दीवाने हैं। साल 2018 में आई कमबैक फिल्म वीरे दी वेडिंग के बाद उन्होंने अपनी फीस 50% बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि करीना ने फिल्म वीरे दी वेडिंग के लिए 7 करोड़ रुपए लिए थे और अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट्स और करण जौहर की आने वाली फिल्म तख्त के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण के पास फिलहाल काफी बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। साल 2018 में पद्मावत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अब दीपिका एक बार फिर रणवीर सिंह के साथ काम करने जा रही हैं। दीपिका रणवीर के साथ डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म 83 में काम कर रही हैं। खबर है कि इस फिल्म के लिए दीपिका ने अपनी फीस को बढ़ाकर 14 करोड़ कर दिया है। रणवीर सिंह, साल 2018 से लेकर अभी तक एक के बाद एक 3 सुपरहिट फिल्में पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय देने के बाद रणवीर सिंह अपने करियर की ऊंचाइयों पर हैं। खबर है कि रणवीर ने अपनी आने वाली फिल्म 83 के प्रोड्यूसर के साथ फिल्म के मुनाफे का एक हिस्सा लेने की डील साइन की है। इस फिल्म के मुनाफे के हिस्से को रणवीर के लिए प्लान करके रखा गया है और फिल्म के रिलीज के बाद जो भी मुनाफा होगा उसमें एक तय हिस्सा रणवीर को भी दिया जाएगा। वरुण धवन, बॉलीवुड में वरुण धवन जैसा स्टारडम शायद ही किसी ने देखा होगा। लगातार 11 हिट फिल्में देने के बाद वरुण का करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है, जहां एक तरफ वरुण धवन ने डायरेक्टर शूजित सरकार की फिल्म अक्टूबर के लिए अपनी फीस आधी कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ अब वो डायरेक्टर रेमू डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर में अपने काम के लिए ज्यादा पैसे ले रहे हैं। खबर है कि वरुण इस फिल्म के लिए 21 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। कंगना रनौत इस साल के बड़े प्रोजेक्ट में से एक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक में काम कर रही हैं। कंगना इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगी। खबर है कि इस बड़ी फिल्म के लिए कंगना ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है। कंगना इस फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलने वाली है और इसके लिए वे 24 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।